Hi, this is Ranveer and welcome back to the Global Menu where we are traveling across Hungary today. Mi lesz az abéd, as in let's have lunch. This is how people in Hungary meet, ek dusre se milte hain aur bolte hain chaliye lunch karne chalte hain. गुलाश के नाम से जानी जाने वाली ये डिश पूरी दुनिया में एक तरह से हंगेरियन नेशनल डिश के नाम से फेमस है. एंड इन द ऑयल वी विल ऐड सम होल गार्लिक एंड सम लैम्ब और इसको हम अच्छे से भून लेंगे. गाय भैंसों को चराने वाले जो लोग होते थे वो मीट को ड्राई करते थे, सब्जियों को ड्राई करते थे, अपने पास रखते थे और उसमें स्टॉक डाल के जहां मन करता था वहां एक ब्रॉथ, एक स्टू बना लेते थे और उस स्टू के साथ ब्रेड डाल के खाना खाते थे. उसका नाम पड़ गया गुलाश. 9th century मतलब लगभग 1100 साल पुरानी रेसिपी है ये और आज की डेट में इट्स लाइक द नेशनल डिश ऑफ हंगरी. जब तक आप लैम्ब को भूनेंगे नहीं फ्लेवर नहीं आएगा. यू हैव टू सॉटे इट नाइसली. इसमें हम डालते हैं मोटा मोटा कटा हुआ प्याज, लेट्स कट सम बेल पेपर्स. देखिए ये जो खाना है ना, पेजेंट फूड एज वी कॉल इट, किसानों का खाना, चरवाहों का खाना, उस खाने का फ्लेवर अनबीटेबल है और उस खाने के साथ छेड़छाड़ बिल्कुल नहीं करनी चाहिए. मतलब उस खाने को सोफिस्टिकेटेड नहीं बनाना चाहिए. फाइन कट्स, आजकल मैं देखता हूँ कई जगह गुलाश एकदम फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट्स में सर्व होता है, उसके अलग अलग वर्जन्स हैं, बहुत बारीक बारीक कटिंग होती है, लेकिन दिल को नहीं भाता. भाई दिल को कैसे भाएगा जब मिट्टी से जुड़ा हुआ नहीं है. क्या बात. देखिए भुन के तैयार है मटन. इसके अंदर डालते हैं बेल पेपर्स, डाइस टोमेटोज और ढेर सारा पपरिका. देयर इज नो गुलाश विदाउट पपरिका. एक्चुअली मजे की बात यह है कि टमाटर और पपरिका दोनों गुलाश की ओरिजिनल रेसिपी में नहीं थे, बिकॉज पपरिका ऑटोमन एम्पायर से टर्की के रास्ते हंगरी तक पहुंचा नहीं था और टमाटर तो यूरोप में बहुत बाद में आए और टमाटर जो है वो हर्ड्समैन साथ में लेके चल भी नहीं सकते क्योंकि ख़राब बहुत जल्दी हो जाते हैं. इसलिए टोमेटो एंड पपरिका आर मोर रीसेंट एडिशंस टू अ गुलाश, बट दे ऐड अ लॉट ऑफ फ्लेवर्स सो वी गोना यूज देम. द कैरमलाइजेशन ऑफ द मटन और साथ में जो मिठास है पपरिका की, दैट स्मोकी स्वीटनेस. मतलब आप चाहें तो बहुत सारे मसाले डालें या फिर सादा सा सिंपल सा एक पपरिका स्टू बनाएं. फॉर मी द पपरिका स्टू राइट नाउ राइट हियर विन्स. नाइस. दैट्स इट. अब इसमें डालते हैं पानी. अब इसमें डालते हैं मटन का स्टॉक. नाउ लेट्स ऐड सम सॉल्ट. थोड़ा नमक हमने लैम्ब के मैरिनेशन में डाला था. ढक्कन लगाइए और इंतजार कीजिए. ओके, क्या बात. सिर्फ यही कह सकता हूं कि काश आप यहां होते, ये कुर्सियां लगी हुई हैं, बैठते आराम से खाते. आई विश यू कुड टेस्ट दिस. 5-6 चीजें पड़ी हैं लेकिन जायका दुनिया भर का. डू ट्राई दिस एट होम बिकॉज आई एम गोना ट्राई इट राइट नाउ. एक कॉमन भ्रांति है कि गुलाश एक सूप है, इट्स अ स्टू और स्टू को खाने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि वी ब्रेक सम ब्रेड एंड वी सोक इट. आइए प्लीज खाइए वरना आप बाद में बोलेंगे रणवीर ने बुलाया नहीं. गुलाश बनाने की विधि. बड़े बर्तन में तेल गरम करके डालें लहसुन और लैम्ब. लैम्ब और लहसुन को ब्राउन होने तक भून लें.
चॉप्ड प्याज डालकर सॉटे करें। फिर डालें बेल पेपर्स, चॉप्ड टमाटर, हंगेरियन पेपरिका, आलू और गाजर, लैम स्टॉक और नमक डालकर लैम को सॉफ्ट होने तक पकाएं। गुलाश को ब्रेड के साथ सर्व करें। गुलाश तैयार है।